कि ऑप्शन जो चेन होती है उससे आप सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वीक के अंदर, एक्सपायरी का जो हफ्ता होता है लास्ट। अब तो खैर हर हफ्ते एक्सपायरी होने लगी, तो अब तो इन्होंने सट्टा बाजार बना दिया, और वीकली एक्सपायरी के तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं। लेकिन जो हर एक महीने के एंड में एक्सपायरी होती है, उस आखिरी हफ्ते के अंदर जो 3 दिन मिलते हैं आपको, उसमें आप ऑप्शन के बिहाफ के ऊपर अपना कुछ 20-50-100 रुपए कुछ निकाल सकते हो अगर आप ट्रेंड हो जाते हो। बाकी ऑप्शन चेन को देखकर आप जो डिसीजन निकालते हो, वो आप ये समझ लो कि आपसे वो डिसीजन कोई निकलवा भी तो सकता है। ऑप्शन चेन जो है वो क्या है? स्मार्ट पैसा, बड़ा पैसा, मतलब किस तरफ को अपनी पोजीशन बना रहा है, यही तो आप जज करते हो। और उसमें क्या करते हो? उसमें से कोई बीच में से कोई सांप थोड़ी निकलता नागराज जो आशीर्वाद देता है आपको आके। उस डेटा में यही तो पढ़ते हो कि बड़े पोजीशन किस तरफ बनी हुई है। अब मैं मान लो एक बड़ा ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं या FIs हूं, और मैं ये जानता हूं कि आप मेरे एक्शन नोट कर रहे हो, तो मैं जिस दिन आपको चाहूं जो दिखाना वो दिखा दूंगा। जिस दिन गेम घुमानी होगी ना बड़ी, उस दिन मैं आपको वही दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सारा दिन घोल के पी रहे हो मेरे नंबर घोल के पी रहे हो ना सारे दिन। FI से कितना बेचा, कितना लिया, क्या किया, क्या ना किया, सब देख रहे हो ना। मैं दिखा दूंगा किसी दिन आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये ना छोटी छोटी गेमों के लिए तो ठीक है, जिस दिन गेम शिफ्ट होती है ना कोई बड़ी, उस दिन कोई नंबर काम नहीं आता। ये मेरा तजुर्बा है, और एक बात आपको हर बार बताता हूं, हर जगह बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं, ऑप्शन का डेटा अगर कुछ बोल रहा है और चार्ट अगर कुछ बोल रहा है और दोनों बातें एक ही हैं तो ठीक है, लेकिन चार्ट कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन कुछ और बोल रही है, सही चार्ट निकलेगा, ऑप्शन गलत होगी, उसी दिन गलत होगी। सही आपका भाव निकलेगा हमेशा, जो भाव है ना वो हमेशा राइट निकलेगा। सारा डेटा घूम जाएगा एक घंटे के अंदर, एक घंटे में डेटा घूमेगा सारा, आप देख के जाओगे यहां पे पोजीशनें खड़ी हैं, इससे नीचे नहीं जाएगी, एक घंटे में सारी पोजीशन रिवर्स हो जाएंगी भाव के हिसाब से। देखा भी होगा कई बार, नोट किया, ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या कि जो एक्चुअल में सही है भाव कभी गलत नहीं हो सकता, हम केवल उसी को कर ले। ऑप्शन में भी काम करना है, कुछ करना है उसी में कर ले, और ऑप्शन में काम करना है तो मेरा एक मानना और है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंडेक्स में करना चाहिए, स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की ऑप्शन बहुत इनलिक्विड है, 2-4-10 स्टॉक को छोड़कर। ICICI बैंक, रिलायंस तो लिक्विड है, बाकी इनलिक्विड है सारे स्टॉक। 4 दिन खड़ा हो गया वहीं मौत हो जाएगी उसकी खड़े हुए। और हम जो रिटेलर जो हैं, जो भी, वो ज्यादातर लेने वाला काम करते हैं, बेचने वाला तो कोई करता नहीं काम, तो उसमें क्या है, नुकसान होने की संभावना स्टॉक्स में ज्यादा है। इंडेक्स फिर भी कर सकते हो, वीकली से दूर रहो, और ऑप्शन को ये मानो कि आपका केवल एक सहारा है कि आपका जो पोजीशन बना रहे हो आप, चार्ट जो बोल रहा है उसको कंफर्म करेगा वो, अगर उसकी कंफर्मेशन आ रही है ठीक है, अगर वो कुछ अलग बोल रहा है और आपका चार्ट कुछ अलग बोल रहा है, चार्ट को मानो, उसको भूल जाओ, होगा चार्ट पे जो वही होगा। लेकिन ये सिर्फ बाकी समय में, एक्सपायरी वाले हफ्ते के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन चेन को थोड़ी सी वेटेज ज्यादा देनी, बस। अभी 20% देते हो तो उसको 40-50% कर दो, कि हाँ भाई ऑप्शन चेन का डेटा रेलेवेंट होता है आखिरी हफ्ते में, क्योंकि कई जो स्मार्ट इन्वेस्टर की पोजीशनें जो पहले से खड़ी हैं उनको वो जल्दी से लिक्विडेट नहीं करते, तो वहां पे कई बार क्या होगा कि ऑप्शन के हिसाब से एक्सपायरी हो जाएगी कई बार, तो आखिरी हफ्ते में ज्यादा ध्यान दो, वरना इतनी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबी चोरी उसमें कोई